कौन सा जोकर मेरे घर में आया मुझे नहीं पता। हिंदी हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट बनाया आपने। पता नहीं कौन बेवकूफ था जिसने हमें बोला कि सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ ट्राई कर लूँ, तो मैंने ये ट्राई करा हाइलाइटर। मैं बॉडी से की आजकल बड़ी घड़ी वाली फैन हो रखी हूँ। एंड ये एक हाइलाइटर मिला है एल्फ का। भाई सही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने दिए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। ये कौन सा जोकर मेरे घर में आया है मुझे नहीं पता। कौन हो? पल्लू क्यों लिया? अरे मेरे हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अरे हमारे घर की औरतें पल्लू लेती हैं। अरे यार हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। तो मेरी ये हेयर स्टाइल देख के बताओ कैसी लग रही है। ये नई हेयर स्टाइल मैंने ट्राई करी है। मैंने किसी के तो स्टोरी पे देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा किसके स्टोरी पे देखी थी। ये पता नहीं कौन सा जोकर मेरे घर में आ गया है। एक मजदूर का हाथ है कात्या, एक हाथ पड़ गया। आपने कुछ खा लिया? मजदूर का हाथ है कात्या। आपने कुछ खा लिया है क्या? है लड्डू खाए, बाजरे वाले लड्डू फ्रॉम मिलेट सांबा। वही चढ़ गया लग रहा है आपको। चलो जस्ट फॉरगेट इट एंड आई एम गोइंग। मैं जा रही हूँ नायका के एक इवेंट में प्रियंका के साथ। तो अभी मैं निकल रही हूँ प्रियंका के घर के लिए। कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। एंड बहुत अच्छी बात ये है, ये बात देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक लेडी आ रही है कैब ड्राइवर के उसमें। एंड दिस इज रियली प्राउड मोमेंट कि हाँ लेडीज भी ये ओला वगैरह चला रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम साहिबा आ गई है। यार मैं इतनी देर से यहाँ वेट कर रही हूँ, इसको आने में इतना टाइम लग रहा है। देखो हेलो जी, हेलो हेलो। थैंक यू। तुम ही लोगों से सीख रहे हो भाई, ब्यूटी क्रिएटर्स से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? अरे भाई हिम्मत करके बनाइए, भाई हिम्मत करके बनाइए। सोच रही थी पता नहीं बनेगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी। बहुत हिम्मत करी है। रिसेंटली कल परसों एक यूट्यूबर के उसमें देखा था ये वाला। अच्छा, मैंने किसी के स्टोरी में देखा था। तो फिर मैंने सोचा यार हिंदी हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट बनाया आपने। मेरे तो नाखून से आज मैं एक साड़ी वाला शूट कर रही थी। मैंने पोज भी किया था। देखा मैंने ना, मैं ऐसे बिंदी निकाल रही थी ना, मैंने नाखून के वजह से तेल लगवा रखे हैं ना, मैं वो बिंदी भी नहीं निकल रही। आपने तो इतनी सारी चमकाई है लिटरली। ये वो पेन आता है, मैंने उससे करी है। पेन आता है ये। अच्छा, वो ऐसे पिकर का है। अच्छा, राइनस्टोन है ये, ग्लू से चिपका है, इसीलिए इतना परफेक्ट चिपका है क्योंकि ये बिंदी तो इम्पॉसिबल है। बिंदी का ग्लू एक्चुअली टिकता नहीं है। टिकता नहीं है, राइट राइट। वो सिर्फ वो आईलैशेस ग्लू ही टिकेगा, और कोई नहीं टिकता, कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। कैसे हो मानसी? बढ़िया। बीन अ लॉन्ग टाइम, हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं। हम लोग कब से प्लान कर रहे थे यार मिलने का। मिलेंगे मिलेंगे, बट हम पहुंच गए हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ था जिसने हमें बोला कि सेकंड फ्लोर पे जाना है, जो कि प्रोग्राम नीचे हो रहा है। वी आर गोइंग, ये नीचे हो रहा है। चलते चलते भाई, नीचे चलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ ट्राई कर लूँ, तो मैंने ये ट्राई करे हाइलाइटर इस पैलेट में, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं एक्चुअली एक कंसीलर ट्राई करने के उसमें हूँ। तो यहाँ पे ब्रांड है, प्रियंका से बात करके मैं वो ट्राई कर लूँ थोड़े में। एंड मुझे वो कंसीलर चाहिए, मुझे पसंद आ गया क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आई डेफिनेटली ट्राई। सो गाइज, मैंने ले लिया है ये बॉडी सूट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बॉडी सूट की आजकल बड़ी घड़ी वाली फ़ैन हो रखी हूँ। तो मैंने ये बॉडी सूट ले लिया है, आई लव इट। और मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे को और भी कोई बॉडी सूट्स वगैरह मिल जाए, बट यार क्या ही बोलूँ, मिल नहीं रहा है। देखती हूँ कुछ तो मुझे मिल जाए एटलीस्ट। ये भुक्खड़ को भूख लगी है और इसके पेट में हाथी। डाइट में दोपहर में क्या खाया पता? पिज्जा, रोटी, मतलब रोटी के ऊपर सब्जी। कैसे जी रहे हो?
भाई पता नहीं, मैं तो कितना खाती हूँ, मेरे को चढ़ता ही नहीं है। सोचती तो मैं भी होगी, मैं लकी तो हूँ इस मामले में। इतने ब्रांड है ना ब्यूटी में भी, किसको आप ट्राई करो किसको छोड़ो। मैंने कभी बॉबी ब्राउन ट्राई नहीं, मैंने अभी रिसेंटली सारे महंगे फाउंडेशन ले लिया कल। ओके ओके, दीस ड्रैगन्स आर हियर। कोल्ड कॉफी पियोगे? कोल्ड कॉफी पी लेंगे। 500K हुआ तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा आगे। अरे हो जाएगा, वो होता है। मेरे को पता नहीं कहाँ से लिया, अमेज़न से। मेरे को लिंक देना। 500-600 रुपए का बस दे देना। मैं इतनी काम की चीज़ है ना, कहीं खड़े होकर फोटो खींचना है खींच लो, बहुत सही चीज़ में रखना है रख दो, बहुत सही चीज़ टिकाना है टिका दो। भाई जिस दिन से मिला है ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी आसान। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये भुक्कड़ ये खा रही है, ये घर से ये रोटी वाला पिज्जा खा के आई थी, अभी ये रियल पिज्जा खा रही है। घर से रोटी वाला पिज्जा खा रही है। तो गाइस अब मैं क्या है, मैं घर आ गई हूँ प्रियंका के। ये इनके ढेर सारे बच्चे नीचे मिल गए, एक मिला है मुझे। आठ थे ना, चार वो वही वाले जो मर गए, वही वाले जिनको बचा रही थी ना। दो को तो नहीं बचा पाई, 45 डेज बहुत मेहनत किया। अभी दो बच गए तो इनको ऑपरेशन करा के राजा बेटा बने हुए बिल्कुल। इनके लिए पुलिस स्टेशन गए, लड़ाइयां करी भाई। इतने नॉटी है ना, एकदम घूम रहा था मेरे आस पास ही नाच रहा था। अभी देखते हैं आशु भी बैठी है अभी अंदर। पिंकी आशु, आशु माशी आई है। पहली बार आवाजें निकाल रहा है छोटू, इससे पहले कभी आवाजें नहीं निकाला था, पहली बार आवाजें निकाल रहा है। आशु बड़ी हो गई, माशी को प्यारी कर दो, माशी को किसी दे दो। बहुत सारी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमने हेयर स्टाइल करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया है। तो हेयर स्टाइल का सोल्यूशन पा के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मानसी ना, तुमको इतना सिखा जाती है। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ बाद में, लेकिन अभी मैं लिख लेती हूँ। मानसी ने मेरे को कुछ आइडियाज दिए, बिकॉज अभी किसी बहुत महान व्यक्ति ने बोला था, मैंने स्टोर किया है। दिमाग स्टोर करने के लिए नहीं है, दिमाग सोचने के लिए है। स्टोर करना है वो लिख के करना है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट मानसीज आइडिया दैट आई नीड टू मेक सोल्यूशन वीडियोस। सो बी कंटिन्यू। और इधर अंदर लड्डू नहीं सॉरी छोटू खूब चिल्ला रहा है, लड्डू की तरह ही चिल्ला रहा है वो। और देखो मैंने मिलाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है कि मैं छोटू से किसी को मिलाती, बट वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है। चलो आशु मैं जा रही, बाय बाय आशु, बाय बाय। बुरा लग गया इसे, कोई बात नहीं, बाय बाय। आगे ना मैं एक्चुअली पहुंच गई हूँ, और आगे ना लड्डू जा रहा है, तो अभी लड्डू को मैं आवाज लगाती हूँ, अभी देखती हूँ लड्डू आता है कि नहीं। लड्डू लड्डू का इतना बे इंतहा प्यार करने के बाद, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपना ये बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल रिमूव करने। सो यस, विच इज ऑलरेडी लुकिंग वेरी वेरी नाइस, और अभी मैं जा रही हूँ इसको रिमूव करने। सो लेट मी टेक अ फीडबैक फ्रॉम माय डियरेस्ट हस्बैंड। सो डियरेस्ट हस्बैंड जी, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? आपने अच्छे से उस समय बताया नहीं था। हेयर स्टाइल तो नॉर्मल है, ये दिस इज नॉर्मल, थोड़े चांददार है, मतलब दिस इज नॉर्मल भाई। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आते हैं? हमें क्या पता भाई, पत्तियों मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर है पत्तियों के लिए तो। पर ये तो हद है यार, चलो जो भी है
इन लोग का तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं जा रही हूँ चेंज करने। लेट मी शो यू मुझे नायका से मिला क्या है, मैं वो तो आप लोग को दिखा ही दूँ क्योंकि वो मैं आप लोग को दिखाया नहीं है। और H&M से मैंने एक बॉडी सूट भी खरीदा है, सो आई थिंक आई शुड शो यू। सो वेट अ सेकेंड, ये है मेरा सामान। ओके, ये तो टिश्यू पेपर है, ऐसे ही सामने रास्ते में बेच रहा था तो मैंने ले लिया। ये तो मैंने खरीदा है के ब्यूटी का एक लूज पाउडर, और ये के ब्यूटी का, अच्छा ये तो कलर करेक्टर मुझे फ्री मिला है, और ये मेरा जो कॉम्पैक्ट टूट गया था ना वो मैंने खरीदा है तो ये तो मुझे मिल गया है। और ये क्या है, हाँ ये है दूसरा, ये बॉडी सूट मैंने खरीदा है H&M का, 1000 का पड़ा। एंड ये सब मुझे मिला है, ये एक पैलेट है के ब्यूटी की, काफ़ी अच्छी पैलेट मिली है मुझे। एंड देन ये परफ्यूम का मुझे ये टेस्टर मिला हुआ है जो मुझे लाइका के इवेंट से मिला। ये मुझे क्रीम मिली है, बहुत अच्छी है, मैंने ऑलरेडी देख ली लगा के, बहुत अच्छी है। एंड इसके साथ मुझे मिला है ये जो है ना, ये मोबाइल के पीछे लगता है ना एक वो टेप टाइप का, जो इसे होल्डर टाइप का रहता है वैसा। और ये स्टिक वाली जो कहते हैं सनस्क्रीन होती है ना, वो सन प्रोटेक्शन के लिए, वो हो गई। और ये मेरे पास मस्करा का छोटा सा पैकेट है, हडा ब्यूटी का। ये क्रीम आई हुई, आई डोंट नो क्या है, देखना पड़ेगा पहले इसका यूजर्स देखना पड़ेगा मुझे। एंड ये एक हाइलाइटर मिला है एल्फ का, भाई सही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने दिए हैं। ओके, तो ये बम क्रीम मुझे मिली है, ये सैंपल टाइप का मिला है मुझे, सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो या अभी मैंने आप लोग को दिखा दिया कि क्या क्या मिला है मुझे, तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये देखो लड्डू भी आ गया है, देखो मिलती हूँ अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अनदर व्लॉग में।